हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई बताओगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो आई थिंक लास्ट क्लास में तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन चल रहा था। बता दिए थे सब कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन क्या होता है, उसका क्या क्या एजम्पशन होता है, ये सब हो गया था लगभग। हेलो हेलो, हेलो हेलो, यस सर, यस सर, अब ऑडियो क्लियर है? यस सर, यस ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में आई थिंक कोई बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कवर हो गया था, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में सब कुछ आई थिंक तुम लोग को बता दिए थे। तो देखो, हमारा कहानी स्टार्ट हुआ था स्ट्रक्चर से, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर स्ट्रक्चर का हम लोग एनालिसिस देखे थे, कि स्ट्रक्चर का एनालिसिस देखे थे, कि एनालिसिस एक जनरल टर्म होता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग देखे थे, कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, यानी जो भी हमारा मेंबर था, या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट था, उसको स्मॉल स्मॉल सेक्शन में ब्रेक करके हमारे जो भी उस स्ट्रक्चर पे लोड आएंगे उनको बाई पार्ट करके हमको एनालिसिस करना था। फिर उसके बाद हम डिजाइन देखे थे, कि स्ट्रक्चर में हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं, या फिर डिजाइन के बाद हमारा बेसिक एस्पेक्ट क्या होता है, उनको सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, इकोनॉमिक, ये सारा का सारा पॉइंट आई थिंक हम लास्ट क्लास में कवर कर दिए थे। नेक्स्ट था हमारा टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट में हम देखे थे कि हमारे कितने टाइप का सपोर्ट होता है, उसके सपोर्ट का क्या सिंबल था, वहां पे कौन था, कितना रिएक्शन था। जैसे फिक्स पे देखे थे 3 रिएक्शन, पिन पे देखे थे 2 रिएक्शन, उसके बाद तुम्हारा रोलर पे देखे थे 1 रिएक्शन, गाइडेड रोलर, एक तुम्हारा जब वो जेंटल था तो वहां पे 2 रिएक्शन गाइडेड रोलर थे। बाकी फिक्स हिंज रोलर तो सबको पता है, गाइडेड रोलर तुम्हारा कुछ इस टाइप का था। यहाँ पे कुछ ऐसे
इस टाइप का इसका सिंबल होता है, और ये तुमको तुम्हारे स्ट्रक्चर एनालिसिस को जब हम डील करेंगे, डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी जब हम चेक करेंगे बीम का, फ्रेम का और ट्रस का, तो तुमको कहीं ना कहीं जैसे कि ये फ्रेम मिलेगा ऐसे, फिर यहाँ पे तुमको ऐसे बीच में इस टाइप का मेंबर तुमको मिल जाएगा। तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारे लिए गाइडेड रोलर है और गाइडेड रोलर पे हमारा दो रिएक्शन आता है। तो ये तुम्हारा था गाइडेड रोलर। अब गाइडेड रोलर जो था ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल का था, यहाँ भी दो रिएक्शन आता है, और एक गाइडेड रोलर आता है मेरा वर्टिकल का, मतलब इस टाइप का वर्टिकल गाइडेड रोलर। ऐसे भी मेरा हो सकता था, तो ये भी तुम्हारा रिएक्शन क्लास में हम डिस्कस कर दिए थे। उसके बाद एक ड्राइंग रोलर के बारे में बता दिए थे कि तुम्हारा ड्राइंग रोलर होता है रोलर ऐसे हो या फिर इंक्लाइंड हो, वहां पे टाइप ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट हम बताए स्ट्रक्चरल मेंबर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर में बहुत टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर था, टाइरॉइड था, टाइरॉइड के केबल में कितना आता था, सेकेंड था हमारे हेलो यस सर, कोई बताओगे केबल में कितना अननोन फोर्स आता था? धर्मेंद्र तुम बताओ कितना आता था? आई थिंक कोई बता रहे हो हमको, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, बताओ कितना आता था? सर एक okay, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हाँ एक टेंसाइल फोर्स ही जाता था। तो म्यूट कर लो, आई थिंक पता नहीं कौन क्या क्या बोल